Thank you.
श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन हो। उसके उपरांत समस्त ब्रह्मचारीगण वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापन हो। आज बहुत बड़ा उल्लास और उत्सव का दिवस है। आप सबने गुंडीचा मंदिर महाजन की भांति इस मंदिर को सुंदर तरीके से झाड़ू पोछा और जाले वगैरह हटा करके इसको बहुत सुंदर तरीके से मार्जन किया। ये मंदिर मार्जन बहुत बड़ी सेवा है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने शिक्षा प्रदान करने के लिए ये मंदिर मार्जन लीला की। जब ये पूरी गए महाप्रभु तो किसी विषयी राजा का ना दर्शन करते थे ना दर्शन देते थे, लेकिन पुरी के राजा जब से ही मंदिर बना है तब से बढ़कर एक भक्त हुए। पुरुषोत्तम जाना और जो महाप्रभु के समय उनके ही वंशज, क्या नाम था उनका, चैतन्य महाप्रभु के समय में कौन से थे वो राजा राजा प्रताप रुद्र जी कोई साधारण नहीं, महान संत भक्त थे। तो भी लौकिक शिक्षा हेतु चैतन्य महाप्रभु ने उनको दर्शन नहीं दिए। बोलो श्री गुरुदेव की जय। बताया कि विषयी का अन्न खाने से विषयी हो जाना पड़ता है। श्री गुरुदेव की जय। इसीलिए सन्यासी व्यक्ति को किसी भी विषयी राजा का दर्शन ना लेना चाहिए ना देना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा प्रदान की और प्रताप रुद्र महान भक्त और हमेशा
चैतन्य महाप्रभु की एक झांकी प्राप्ति के लिए इच्छुक रहते थे, तो भी महाप्रभु ने उनकी परीक्षा ली और उनको जल्दी से दर्शन नहीं दिए। जानते थे कि ये राजा भक्त है, तो भी लोगों को समझाने के लिए कि यदि हमें भक्ति करनी है तो किसी भी विषयी व्यक्ति का हमें संग नहीं करना चाहिए। समय बीता, रथ यात्रा का समय आया, आज ही का दिन प्रकट होने वाला था। उससे दो तीन दिन पहले चैतन्य महाप्रभु ने राजा के पास संदेश भेजा, हे राजन, तुम हर वर्ष जिस प्रकार से यहाँ पर रथ यात्रा निकालते हो, बड़े बड़े हाथी घोड़े इत्यादि बुलाते हो, सैनिक बुलाते हो, उनसे रस्सा खिंचवाते हो और भक्त दूर दूर से ही भगवान का दर्शन करते हैं, इस बार हम चाहते हैं जहाँ जगन्नाथपुरी से, जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ भगवान, बलदेव भगवान और सुभद्रा देवी रथ पर विराजमान होकर के गुंडीचा मंदिर में आते हैं, वहाँ पर भी आप ही के जो सेवक हैं वही सैनिक लोग इसका सेवा करते हैं, इसको सुंदर तरीके से इसका जो है मार्जन करते हैं, लेकिन वह मार्जन परिपूर्ण नहीं। तो हम चाहते हैं कि इस बार गुंडीचा मंदिर का मार्जन हम लोग करें। गुंडीचा जो मंदिर है वो वह स्थान है जहाँ से जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ भगवान को रथ में विराजमान किया जाता है और वहाँ से भक्त लोग रस्सा खींच करके जब लाते हैं और जहाँ पर ठाकुर जी को पूरा 15-21 दिन वहाँ पर विराजमान करा जाता है उस मंदिर में, अपने मंदिर को छोड़ करके वो गुंडीचा मंदिर में आते हैं। तो ये जो गुंडीचा मंदिर है इसमें ठाकुर जी आकर के विराजमान होंगे और यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं कि इस बार हम जो राजकीय सेवक हैं उनसे मंदिर को मार्जन ना करा करके हमारे गौड़िया और उड़िया भक्त इसका मार्जन करेंगे। ये जब आदेश महाप्रभु ने राजा को दिया, राजा को बड़ा हर्ष हुआ और उसने स्वीकार कर लिया। चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह भोर में ही समस्त भक्तों को लेकर के संकीर्तन करते हुए चले और समुद्र के किनारे किनारे अपना हरिनाम संकीर्तन करते करते वहाँ से जा रहे हैं और गुंडीचा मंदिर में पहुँच करके सबको बोला है कि सब झाड़ू ले लो और सुंदर सुंदर मटके ले लो। समस्त भक्त लाखों की संख्या में वहाँ पर झाड़ू पोचा और मटके पानी का जल भर करके लाने लगे और वहाँ पर सुंदर तरीके से जिस प्रकार से आज आपने इस मंदिर की सफाई की है, ठीक इससे भी ज़्यादा उत्कृष्ट वो भाव था। वहाँ पर मंदिर को मार्जित किया गया, सुंदर तरीके से धुलाई की गई, सुंदर तरीके से झाड़ू लगाई गई, सुंदर तरीके से पोछा लगाया गया और जहाँ कहीं पर भी जो धब्बे रह जाते उन्हें रगड़ रगड़ के साफ किया जाता। एक बार धुलाई हुई, दूसरी बार धुलाई हुई, महाप्रभु का कभी संतोष नहीं हुआ। उन्होंने देखा कई ऐसे धब्बे लगे हुए हैं जो कितनी बार भी धुलाई होने पर भी जा नहीं रहे। ठाकुर जी ने अपना उत्तरी वस्त्र उतार करके उस स्थल को ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करके दिखलाया। महाप्रभु को क्या आवश्यकता पड़ी थी सब करने की, वहाँ पर जो धब्बे हैं बड़ी मुश्किल से महाप्रभु ने उसको पानी से रगड़ रगड़ के, अपने वस्त्रों से रगड़ रगड़ के साफ किया। क्या आवश्यकता थी उसकी? आवश्यकता ये थी मंदिर मार्जन हम लोग जो मनुष्य तन प्राप्त करके यहाँ पर वैष्णव रीति से भजन सीखने आए हैं, हमें अपने इस हृदय को सुंदर बनाना है और सुंदर ही नहीं इसे मंदिर बनाना है। हमारे अनंत काल से अनंत जन्म हुए और अनंत कर्मों के चक्र में फंस करके हमने कुछ पाप किए, कुछ पुण्य किए और उन पाप पुण्य के जो हैं हमारे प्रारब्ध बन करके जो हमें फल मिलते हैं उनको किसी भी कर्म से काटा नहीं जा सकता। कर्म को कर्म से नहीं काटा जा सकता, एकमात्र शुद्ध भक्ति से उनको दूर किया जा सकता है। तो महाप्रभु ने ये दिखलाया कि हमारे हृदय में इतने सारे अनर्थ हैं, उनको किस प्रकार से हमें साफ करना चाहिए।
जिस प्रकार से उन्होंने अपने उत्तरी वस्त्र उतार करके समस्त वहाँ के धब्बे हटाए, इसी प्रकार से हमें पूर्ण तरीके से चेष्टा करते हुए एकादशी व्रत पालन करना, गुरुदेव की सेवा करना, वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना, हरिनाम संकीर्तन करना, स्वाध्याय करना और मंडली बना करके सुंदर तरीके से कथा का आदान प्रदान करना, ये भक्ति की अंगों का पालन करने से निश्चित तौर से वो अनर्थ भी दूर होंगे जो हम कर्मों से हटा नहीं सकते। कितने भी पड़े पड़े पाप क्यों न किए हों पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी, तो भी एकमात्र भक्ति उसको दूर कर सकती है। ये चैतन्य महाप्रभु की इस गुंडीचा मंदिर मार्जन की बहुत बड़ी शिक्षा। जैसे हम शीशा है, शीशे में अगर अपना प्रतिबिंब देखना चाहें तो दिख जाएगा यदि वो साफ होगा। यदि उसमें कई दिनों से धूल जमी हुई है और हम जाकर के शीशे को देखने लगे तो हम अपना चेहरा भी नहीं देख सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारे हृदय में अनंत काल से अनंत युगों से अनर्थ भरे पड़े हैं और इन अनर्थों से काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य तो है, इसके अलावा भी कई पाप और अनर्थ ऐसे भरे पड़े हैं जिससे हमारा स्वभाव गठित हो जाता है। और स्वभाव वही धब्बा है जो हम किसी भी कर्म से दूर नहीं कर सकते, वो एकमात्र चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और गुरुदेव की कृपा से उन धब्बों को चेष्टा करके रगड़ करके हम अपने अनर्थों को दूर कर सकते हैं। तो जब वह सुंदर तरीके से हमारा हृदय रूपी मंदिर मार्जित हो जाता है तब ठाकुर जी स्वयं उसमें विराजमान होंगे, गुरुदेव उसमें स्वयं विराजमान होंगे, अन्यथा हमारा मन इधर उधर डोलेगा। ठाकुर जी कहते हैं कि एक बार श्रद्धा सहित भक्त या अभी कनिष्ठ भक्त है, अभी अभी भक्ति में आया है, एक मात्र सिर्फ संकल्प कर ले कि हाँ अब मैं इस पथ से विपत्त ना होकर के सुंदर तरीके से मैं भक्ति करूँगा, ठाकुर जी इतना सुनकर के कि वो कथा में आया है, कथा श्रवण किया है और ये संकल्प लिया है, तुरंत उसके हृदय में आरूढ़ हो जाते हैं और आरूढ़ होकर के स्वयं ये हृदय को मार्जन करना प्रारंभ कर देते हैं। जितना भी हृदय हमारा कलुषित होता है स्वयं ठाकुर जी उसको साफ करते हैं। तो मंदिर मार्जन का यही उद्देश्य होता है कि हम किसी भी प्रकार से अपने इस हृदय रूपी मंदिर को मार्जित निरंतर करें। ये तो वर्ष में एक बार शिक्षा है लेकिन निरंतर हमें मार्जन करना चाहिए। तो एक बार सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाप्रभु इतने ज्यादा दयालु कृपालु और औदार्य कि भगवान होकर के स्वयं श्री कृष्ण हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, तो भी अपने आप को एक साधारण भक्त प्रकाशित कर रहे हैं कि मैं एक साधारण भक्त हूं और एक कनिष्ठ अधिकारी एक छोटा सा भक्त अभी अभी आया, दो चार महीने हुए होंगे, महाप्रभु का दर्शन पा करके बड़ा आनंदित हुआ और उसने जान लिया ये कोई साधारण भक्त नहीं, ये साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ही है जो महाप्रभु के रूप में प्रकट हैं। जब गुंडीचा मंदिर मार्जन हो रहा था वहां पर सुंदर सुंदर तरीके से भक्त जो है मटके में जल लाला के भर कर ला रहे थे, तो ये भी भक्त जो है लेकर के आया और ठाकुर जी के चरण कमलों में उड़ेल कर उसको जल लेकर के चरणामृत लेकर के पी लिया और महाप्रभु ने एकदम से उसको डांट लगाते हुए ये कौन है, ये किसने इसको आने की परमिशन दी। तभी तो महाराज वो कौन थे जो बीच में आए थे, हाँ सुबुद्धि राय, उनको बुलाया उनको डांट लगाई और उन्होंने जाट उसको हल्के से थप्पड़ भी मारा और डांटते हुए चलो भारत में अभी इतनी भी शर्म नहीं है, अकल नहीं है, क्या करना चाहिए, मार्जिन हो रहा है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और बाहर जा करके उसको कहा तुमने बहुत अच्छा किया, महाप्रभु के चरणामृत को लिया। तो ये सुंदर तरीके से इन भावों को हम गुरु महाराज से आइए श्रवण करें और महाराज जी ने शायद जैव धर्म भी अभी शुरू की हुई है, बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाराज श्री हमें प्रदान कर रहे हैं। धन्यवाद वांछा।
हरे कृष्णा। हम लोग अभी दो दिन से हम जो रत्ना के साथ में थे उसके बाद में हम जो पहले सुन रहे थे ठीक है। ओम अज्ञान मिराम तस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कदाचित् कालनीतटविभिन्नसङ्गीततरला मुदा गिरिनारिवदनकमल आस्वादमधुप रमा शंभु ब्रह्मा अमरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे बल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरि। वर्जुअर करके बोलो बल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नित्यलीला प्रभुष्कम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्यलीला प्रभुष्कम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज जो तिथि है श्री गुंडिचा मंदिर महाजन, हम करीब दो दिन से इसकी रहस्य को हम सुन रहे थे कैसे साक्षात भगवान होते हुए महाप्रभु स्वयं राधा जी के भाव में विभावित तो होकर के कृष्ण अभी द्वारका से वृंदावन आएंगे और वृंदावन धाम निकुंज में राधा रानी को साथ में विहार करेंगे। इसीलिए इसी भाव से महाप्रभु ने ये जो सेवा हर साल नौकरों को द्वारा राजा कराया करते थे, महाप्रभु बोले ये सेवा नौकर से नहीं, ये सेवा तो प्रेम से भक्ति से होनी चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी केवल भक्ति और प्रेम के भूखे हैं। बोले ये सेवा हमें दे दो। बोले कौन सा सेवा? बोले झाड़ू लगा करके साफ करने का है। मतलब छोटे सेवा को उन्होंने मांग करके लिया। तात्पर्य यह है जो सेवा है हमें मांग करके लेनी चाहिए। और जो सब भक्त लोग गुंडिचा मंदिर मार्जन करने जब जा रहे थे, महाप्रभु ने क्या किया? सबको सुंदर उन्होंने चंदन से उनको तिलक लगाए, सबको गले में फूलों की माला से उनको गले में माला पहनाए और उनको बड़ी स्वागत पूर्वक उनको भेजे। बोले जाओ गुंडिचा मंदिर मार्जन करो। बोले मतलब क्या है? कहते मतलब है कि गुंडिचा मंदिर मतलब होता है अपना हृदय है। जब तक हमारी हृदय साफ नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं बैठेंगे। इसलिए जो व्यक्ति अपना हृदय को साफ करना चाहते हैं महाप्रभु उनको स्वागत करते हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, जाओ अपना हृदय को साफ करो, जिन हृदय में ठाकुर जी बैठेंगे। इसलिए बड़े प्रसन्न होकर के महाप्रभु उनको स्वागत किया और महाप्रभु स्वयं जाकर के अभी श्रवण कर रहे थे। उन्होंने पाइयों से पहले तो झाड़ू लगाए, क्योंकि एक साल से वो मंदिर वैसे पड़ा रहता है। पहले जाकर उन्होंने झाड़ू लगाए, झाड़ू लगा करके उन्होंने पहले क्या पड़ा हुआ था? बड़े 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 कंकड़ पड़े हुए थे। पहले ये बड़े बड़े कंकड़ों को उन्होंने हटाए। तो यहाँ पर कहते भैया कंकड़ क्या चीज़ है? तो प्रभुपाद इसको कहते हैं जो कंकड़ है, लोग तो धर्म अर्थ काम को तो त्याग दे देते हैं, लेकिन कभी कभी जो मोक्ष है, जो मुक्ति है ना, इसको छोड़ना बड़ा कठिन है। दुनिया लोगों को बोलो बोले हमारी मुक्ति हो जाए, ये लोग यही कहते ना हमारी मुक्ति हो जाए, मतलब ये संसार की बंधन से हमारी उद्धार हो जाए। लेकिन उद्धार होकर कहाँ जाओगे? बोले हम जा करके वो ब्रह्म ज्योति में, हम जा करके ब्रह्म ज्योति में मिल जाएंगे हैं। इसलिए महाप्रभु कहते भैया अगर तुम प्रभु का प्रेम पाना चाहते हो, जब तक तुम्हारे हृदय में ये भावना रहेगा ब्रह्म ज्योति में ही अपने आप को हम लीन कर देंगे, तब तक भगवान की सेवा मिलने वाली नहीं। इसलिए श्री श्री रूप गोस्वामी कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्प्रिया पिशाची,
उन्होंने इसको बताया कि पिशाच ये, पिशाच समझ भूत है, हैं। जब तक साधक के हृदय में भोग की और मुक्ति की भावना रहेगी तब तक ठाकुर तुम्हारे हृदय में नहीं बैठेंगे। पहले ये चीज़ को निकालो, ये चीज़ को पहले निकालो। मुक्ति कद क्यों निकालो, कद ये भगवान का सेवा नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं, हम अपना ज्योति को ब्रह्म में लीन कर देंगे, लीन कर देंगे तो जन्म नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, बाद दुख कष्ट से हमें उद्धार हो जाएगा। कद ये भक्ति नहीं है, इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति उसे कहते हैं, हे ठाकुर जी हमें आप जिस रूप में रखना रखो, लेकिन हर समय तुम्हारी सेवा करते रहे, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी नाम और तुम्हारी हम प्रेम करते रहे, इसको कहते हैं भक्ति। इसलिए बोले पहले ये चीज़ को निकालो, भुक्ति और मुक्ति। कहते मुक्ति तो छोड़ो, बोले भुक्ति, भुक्ति मतलब भोग करना, बोले इसको भी पहले निकालो, ये भोग करने की वासना भी हृदय से निकाल दो, हैं। इसलिए कर्म को भी संसिदय से इसको भी निकाल दो। कभी कभी लोग सोचते हैं अपना जो हृदय को हम कर्म को द्वारा हृदय को साफ कर देंगे, बोले नहीं, कर्म से हृदय साफ नहीं होगा। जैसे उदाहरण दिया, जैसे एक हाथी को आप तालाब में उतार करके अच्छे तरह से मल मल करके साबुन से स्नान करा, लेकिन ये हाथी का एक स्वभाव है, वो हाथी जब वो पानी से ऊपर आएगा ना, सबसे पहले क्या करेगा, वो देखेगा धूल कहाँ पड़ा हुआ है, पहले ये सूंड से वो धूल को लेगा, पूरा शरीर में फर करके सारा शरीर में लगाएगा, फिर वो जाएगा। ये हाथी का एक स्वभाव है। हम कभी कभी सोचते हैं कर्म को द्वारा क्या करेंगे, पाप को नष्ट कर देंगे, बोले नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, जैसे जो घी बेचते हैं, जो दाल चावल बेचते हैं, वो क्या करते हैं, वो घी में चर्बी मिला देते हैं, नहीं तो डालडा मिला देते हैं, उनको पता है ये पाप कर्म कर रहे हैं। नहीं तो जैसे दाल में कंकड़ मिला देते हैं, सारे पाप कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे, फिर क्या करेंगे, वो जाकर कबूतर को कुछ दाना खिला देंगे, जैसे कुछ दुखी दरिद्र लोग बैठे हुए थे थोड़ी सी दान तकना दे देंगे, फिर दूसरे दिन क्या करेंगे, फिर दूसरे दिन फिर वही काम। जैसे हाथी को जैसे स्नान कराने के बाद फिर धूल को सारा शरीर में लगाते हैं, भैया अगर उसको साफ करना तो फिर शरीर में ये कीचड़ क्यों लगाते हो, कीचड़ क्यों लगा, फिर कीचड़ को साफ क्यों करो, ये पाप कर्म क्यों करो, फिर क्यों उसके लिए पुण्य करो, क्या जरूरत है उसको करने का। इसलिए कहते भैया ये दान पुण्य से कर्म से हृदय साफ नहीं होगा, ये चीज़ साफ नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु क्या कहते, झाड़ू लगा लगा करके पहले वो बड़े बड़े कंकड़ को वहाँ से निकालते, पहले कंकड़ को पहले हटा, अभी कंकड़ निकल गया, फिर क्या रह जाएगा, फिर धूल, ये धूल को फिर झाड़ दे करके बड़े बड़े कंकड़ फिर धूल को निकाल, बोले ये धूल क्या है, कहते ये धूल क्या है, कहते ये धूल है, इसको बताए ये कुटी नाटी, कु मतलब खराब, टी और ना, ना मतलब नहीं, मतलब भक्ति करने के लिए अपना हृदय से जो कपट है ना, प्रभुपाद कहते हैं कपटी व्यक्तियों का कल्याण होना बड़ा कठिन है। जैसे काल में मैंने कपटी था ना, कपट रूप लेकर के हनुमान को रास्ता में रोक दिया, बोले आज रात को रुक जाओ, कल है बढ़िया करके जल्दी जल्दी पहुंचा दूंगा, लेकिन हनुमान ने क्या किया है, मारे उसको, खत्म कर दिए कालनेमी को, ये कपट था। इसलिए कहते भैया हृदय से कपट को त्याग करो, एक ऊपर से दिखा रहे हैं लेकिन अंदर में और कोई चीज़ सोच रहे हैं, ये भगवान। इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम कहते हैं भैया ये जो कपटी व्यक्ति को मैं पसंद नहीं करता, छाल छिद्र मोहिने भावा, इसलिए मेरे को ये छल छिद्र चीज अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है। हृदय में ऊपर जो दिखा रहे हो अंदर में भी वही चीज़ रखो। इसलिए भगवान ये बगुला को भी कृष्ण मारे, बगुला को मारे ना, बगुला एक बयान में देखना, नाले में देखना, बगुला एक बयान में खड़ा रहेगा एक ध्यान से। जब राम लक्ष्मण जा रहे थे, इतने में राम ने कहा लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना बड़ा जोगी, वो एक बयान में खड़ा रहेगा, थोड़ी सी भी इधर उधर हिल डोलेगा नहीं। बोले क्यों, मछली को पता नहीं चलिए बगुला है, और जब सामने मछली आ जाए ना झट पकड़ के खा जाए, हैं। इसलिए राम ने कहा लक्ष्मण देखो ये बगुला कितना बड़ा जोगी, बोले प्रभु ये मछलियों को पूछो सारी बात बता देगी, ये बगुला कितना बड़ा जोगी है।
ये डोंगी और ये कपड़े हैं, इसलिए यहाँ पर कहते जो धूल को हटाया वो धूल क्या है, कहते हमारे हृदय में जो कुट्टी नाटी जो बैठा हुआ है ये सब के सब ये धूल है। फिर उसको बाद में ये कुट्टी नाटी को हृदय से हटाओ, उसको बाद में क्या आता है, कुट्टी नाटी को बाद में आता है फिर जीव हिंसा। जीवों को हिंसा नहीं करनी चाहिए, ये जीव हिंसा क्या है, साधारण रूप में जो जीव हिंसा है जैसे मांस को खाना, मछली खाना, अंडा खाना, ये जीवों को हिंसा करना, ये साधारण रूप में। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये जीव हिंसा क्या है, बोले जीव हिंसा वही उसको कहते हैं शुद्ध भक्ति को जो प्रचार नहीं करते जगत में, भगवान की जो प्योर भक्ति को जो प्रचार नहीं करते हैं। बोले भक्ति करना, भक्ति में खान पान का क्या बात है, बंगाल में ऐसे कुछ संप्रदाय, तेरा आत्मा चाह रहे मछली खाने के लिए, मछली खा ये आत्मा को कष्ट क्यों दोगे, तुम्हारी आत्मा तो चाह रहे मछली खाने के लिए मछली खाना, लेकिन ये मन और आत्मा का फर्क नहीं समझते, ये मन दुष्ट मन चाह रहा है मछली खाने, बोले तुम्हारा आत्मा जो चाह रहे उसको दो ना, उसको कष्ट क्यों दोगे हैं। इसलिए कहते ये जो जीव हिंसा है, कहते जो शुद्ध भक्ति जो प्रचार नहीं करते हैं वो क्या करते हैं, बंगाल में कुछ संप्रदाय खूब तिलक लगाएंगे, मोटे मोटे तिलक, गले में तुलसी की कंठी खूब पहनेंगे हैं, खूब हरिनाम करेंगे, लेकिन सब मांस मछली अंडा सब प्याज लहसुन खा रहे। इसलिए कुछ जगत में ऐसे लोग हैं, भले अरे दिन भर भजन करने का क्या जरूरत है, सोने से पहले एक बार प्रभु का नाम ले लो ना, दिन भर क्या जरूरत है प्रभु का नाम लेने का। ऐसे कुछ संप्रदाय का लोग है जो लोगों को बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, भ्रष्ट करके उनको शुद्ध भक्ति धारा से निकाल देते हैं। इसलिए कहते भैया जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्रचार नहीं करके विद्ध भक्ति प्रचार करते हैं यही असली जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब क्या, जीवों को हिंसा करना, जीवों को हिंसा करना। जो जीव मतलब जो इंसान है, जब हम शुद्ध भक्ति की बात नहीं बताएंगे, उनको बहका करके उनको बुद्धि को बहकाएंगे, फिर भगवान की शुद्ध भक्ति प्रचार नहीं हुआ तो जीव भगवान के पास कैसे जाएगा। इसलिए भागवत में परीक्षित महाराज कलि को चार ही जगह पर स्थान दे दिया, दुतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा। बताइए जो चार है ये अधर्म, ये चार ही है पाप है, क्या है, दुतम जुआ खेलना, पानम किसी तरह का नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करना, स्त्रियम अवैध रूप में पुरुष स्त्री, स्त्री पुरुष से मिलना, और सोना मतलब जीव हिंसा, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये सब ग्रहण करना, ये पाप है हैं, ये सब पाप है। इसलिए कहते हैं जीव हिंसा मतलब जब हम भगवान की शुद्ध भक्ति की प्रचार नहीं करेंगे। इसलिए प्रभुपाद जो प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद का प्रचार इतना दृढ़ प्रचार था, सारा दुनिया में लोग एकदम थरथर कांप उठे, दूसरे दूसरे जो संप्रदाय का लोग इतने डर गए, इतने प्रभुपाद को डर गए, कुछ लोग प्रभुपाद के पास में आए, बोले प्रभुपाद एक काम कर सकते हो, बोले बताओ, बोले आप दो चीज़ को छूट दिलवा दो, बोले क्या, बोले एक चाय और एक बीड़ी, एक चाय और एक बीड़ी, ये दो चीज़ को अगर बोलोगे ना हमारे संप्रदाय में चलेगा, सारा दुनिया में फिर कोई संप्रदाय नहीं रह जाएगा, एक गौड़ीय संप्रदाय महाप्रभु का धारा रह जाएगा, सबके सब इसी संप्रदाय में आ जाएंगे। लेकिन ये प्रभुपाद बोले नहीं, हमको एक चंद्रमा चाहिए, हजार तारों हमें नहीं चाहिए, तारे नहीं चाहिए, देखना आकाश में कितने तारे हैं, कोई लाइट देते हैं, लेकिन जब एक चंद्रमा जब आकाश में उदय होता है क्या होता है, सारा दुनिया को ये आलोकित कर देता है। इसलिए प्रभुपाद बोले नहीं, हमें तो एक चंद्रमा की जरूरत है, मतलब भक्ति में आए एक व्यक्ति अगर भगवान की अच्छी तरह से शुद्ध भक्ति करेगा तो भगवान को पास में चला जाएगा। इसलिए जब नारद जी ध्रुव जी को मंत्र दिया, जब ध्रुव जी वैकुंठ विजय कर रहे थे, हे नारद जी नाच नाच करके कूद कूद करके बिना बजा बजा करके नारद जी नाच रहे थे, देखो आज एक जीव को मैंने प्रभु का नाम दिया तो एक जीव भगवान को पास में जा रहे, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए हैं। इसलिए कहते जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब शुद्ध भक्ति प्रचार करो जगत में। तीसरे है जीव हिंसा, बोले उसके बाद में कहते असत संग हैं, वहाँ पर कहते हैं असत संग हमें, असत संग से हमें
दूर रहनी चाहिए हैं। यहाँ पर कहते हैं अपना पत्नी को छोड़ करके दूसरों को साथ में पराय स्त्रियों को साथ में जो अवैध रूप में जो संग है ये पाप है, इसको पाप बताया गया, बोले ये चीज को त्याग करो। खैर उन्होंने प्रतिष्ठा उसको बाद में उन्होंने क्या किया, जब मंदिर को जैसे आज आप मंदिर साफ कर रहे थे ना, कौन कौन थे सवेरे मंदिर साफ में? हाँ तो कौन कौन मंदिर सवेरे थे? जैसे मंदिर को जब साफ करते हैं, जैसे धूल को, जैसे हमारे भक्त लोग आज तो बड़ी सेवा की है, आप लोगों को धन्यवाद है जिन लोगों ने आज आकर के, हम बहुत सारे सवेरे तो भक्त लोग आए थे हैं, सब सब हिल मिल करके कोई फूलों की माला बना रहे थे, कोई मंदिर साफ कर रहे थे, कोई घर साफ कर रहे थे, दीवार साफ कर रहे थे, जितने फूल लगा इसको उतार उतार कर साफ कर रहे थे भक्त लोग। आज बहुत भक्तों ने सेवा किया है और हमने वीडियो बनाकर सब भेज दिया और मेरे पास में फोन आया, बोले आपका मंदिर जितने भक्त बड़ोक्त के भक्त जितने लोग मंदिर साफ कर रहे थे और कहीं इतना भक्त है ही नहीं यहाँ, इसलिए वहाँ पर सब भक्त लोग बड़े अच्छे तरह से मंदिर को साफ सुथरा किया है। इसलिए महाप्रभु जैसे अपना भक्तों को लेकर के मंदिर साफ कर रहे थे, इसलिए उसको बाद में कहते हैं भले उसको बाद में जीव हिंसा प्रतिष्ठा, और उसको बाद में कहते जब मंदिर को उन्होंने अच्छे तरह साफ कर दिया, साफ करने के बाद फिर क्या हुआ, फिर उसमें कुछ कुछ दाग रह गया, उसमें कुछ कुछ दाग रह गया, फिर महाप्रभु क्या किया अपना उत्तर को निकाला और उत्तर को निकाल करके उन्होंने घिस घिस करके वो जो दाग था ना वो दाग को भी घिस घिस करके निकाला है। मतलब क्या बोले हृदय में जब तक तुम्हारे हृदय में ये संसार की कामना वासना और मुक्ति की इच्छा भोग की इच्छा रहेगा तब तक ठाकुर जी तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे हृदय में। इसलिए क्या करो इसको अच्छे तरह से रगड़ रगड़ कर निकालो। फिर जब रगड़ रगड़ करके महाप्रभु उसको निकाल रहे थे, अच्छे तरह से निकाल रहे थे, इसमें क्या हुआ है? लेकिन हाथों में तो सेवा कर रहे थे लेकिन मुंह में क्या कर रहे थे? भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान की नाम को ले रहे थे। एक बार बोलो सबके सब जोर से, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। और एक बार जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। इधर हाथ में काम और मुंह में ठाकुर का नाम ले तो बोले क्यों? श्री जीव गोस्वामी कहते हैं हैं ये कलयुग में कोई भी तुम सेवा करो, कोई भी तुम सेवा करते हो, अगर उसको साथ में प्रभु का नाम नहीं जुड़ा हुआ होगा उसका फल नहीं देने वाला। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कलयुग में विशेष करके हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा, मतलब कलयुग में भगवान के नाम के सिवाय और कोई गति नहीं, गति नहीं, केवल प्रभु का नाम से कल्याण है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि कलयुग में दूसरे दूसरे भक्ति का अंग करो लेकिन उसको साथ में प्रभु का नाम को जोड़ो। अगर ठाकुर के लिए रसोई बना रहे हो कि हाथ में रसोई बनाओ और मुंह में ठाकुर का नाम करो, घर में झाड़ू लगा रहे हो हाथ में झाड़ू लगाओ और ठाकुर जी की नाम करो, फूलों की माला बना रहे हो हाथ में फूलों की माला बनाओ और मुंह में क्या कर ठाकुर का, उसमें ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा ठाकुर का नाम करते हुए। देखना ठाकुर का नाम करते हुए कोई भी काम करोगे वो काम एकदम फलेगा फलेगा, वो काम एकदम फलेगा फलेगा वो काम है। इसलिए महाप्रभु शिक्षा देते हैं हर चीज में। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने कि भोजने कि बा जागरणे आहार निशा चिंता कृष्ण भोला वदन, मतलब सोते उठते बैठते चलते क्या करो आहार निशा बोलो कृष्ण, हर समय में कृष्ण नाम करो बोलो वदन। इसलिए महाप्रभु हाथों में सेवा कर रहे थे और मुंह में ठाकुर का नाम ले रहे थे। लेकिन कुछ लोग कामचोर होते हैं ना, कुछ लोग कामचोर भी होते हैं, ऊपर में दिखाने के लिए करते हैं लेकिन सही से नहीं करते। इसलिए अभी जो लोग सही सही साफ कर रहे थे
महाप्रभु तो उनको भावा दे रहे थे, पीठ में हाथ तक तो वाह कितना सुंदर तुम काम करते हो भैया, तुम भी सुंदर मंदिर साफ कर रहे हो, दूसरों को भी सिखा दो। मतलब क्या है? तो प्रभुपाद यहाँ देखो इसमें बहुत रहस्य बात मुझे बताई है, कभी इसका तात्पर्य क्या, कभी ये मंदिर साफ नहीं, जो व्यक्ति अपना हृदय को साफ करते हैं महाप्रभु उसके ऊपर बड़े खुश होते हैं। बोले भैया तुम अपना हृदय को साफ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, हृदय साफ तो तभी तो ठाकुर जी आएंगे। इसलिए जो व्यक्ति प्रभु की भगवान को हृदय में बैठना चाहते हैं, अपना हृदय रूपी मंदिर को साफ करेंगे, महाप्रभु को खूब आशीर्वाद देते बेटा, खूब फलते फूलते रहो, खूब भगवान की भजन करो, प्रशंसा करते हैं। लेकिन कुछ कामचोर होते हैं, कामचोर मतलब जो भजन करना ठीक से नहीं चाहते, प्रभु की भक्ति करना नहीं चाहते, भक्ति पर भी ठगना चाहते हैं, महाप्रभु को मीठी मीठी गाली दे रहे थे हैं, मीठी मीठी गाली दे रहे थे। और जो अच्छे तरह से साफ कर रहे थे उनको क्या बोल रहे थे, बोले भैया तुम बहुत अच्छे तरह से साफ करते हो, तुम दूसरों को भी सिखा दो। मतलब जो भगवान की भक्ति ठीक ठीक से भक्ति करते हैं, महाप्रभु क्या कहते हैं, तुम जैसे भक्ति कर रहे हो दूसरों को भी प्रभु का भजन में लगाओ, दूसरों को बोलो तुम लोग भी प्रभु का भजन करो, तुम भी प्रभु की भगवान की भक्ति करो। लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा, अपना भक्ति करना पड़ेगा। अगर खुद प्रभु का भक्ति से हरिनाम से कोई मतलब नहीं, केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए बोलता है, फिर तो उसका उपदेश कोई काम नहीं करेगा, उसका उपदेश दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? वो खुद नहीं करते, दूसरों के ऊपर प्रभाव कैसे पड़ेगा। इसलिए पहले खुद करो फिर दूसरों को बताओ भजन करने की। लेकिन जो नहीं कर रहे थे, मतलब अपना हृदय को ठीक से साफ नहीं कर रहे थे, महाप्रभु को मीठी मीठी गाली दे रहे थे, बोले देखो तुम साफ नहीं कर रहे हो ठीक से, इसलिए तुमको दंड मिलेगा। बोले क्या है दंड मिलेगा? बोले जितने सारे संत हैं ना वैष्णव, उनको फीस देना पड़ेगा, उनको भंडारा देना पड़ेगा, इनको सबको खाना खिलाना पड़ेगा। बोले क्यों? देखो इसका क्या रहस्य है, बोले जिसका हृदय जो भगवान की भक्ति ठीक से नहीं हो रहा है। बोले क्यों ठीक से नहीं हो रहा है, हमारी भक्ति क्यों ठीक नहीं हो रहा है? बोले कारण है हमारी पूर्व जन्म का जो संस्कार ठीक नहीं है, पूर्व जन्म में हमने इतने सुकृति नहीं किया है, जिसको पूर्व जन्म में जितनी अच्छी सुकृति बनी होगी इसी जीवन में उसका भजन उतना जल्दी होगा। अगर पूर्व जन्म में अगर कुछ नहीं करा इसी जीवन में भजन मन नहीं लगेगा, इतना भक्ति में मन नहीं लगेगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? बोले जितने साधुओं को सेवा जो इनको भंडारा दे। बोले भंडारा क्यों? तो बोले संतों का हृदय में भगवान का निवास है। भगवान कहते ना वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, भगवान भक्तों का हृदय में ही भगवान रहते हैं। जब वैष्णव को तुम सेवा दोगे, उनका उत्सव दोगे, भंडारा दोगे, क्या होगा? तुम्हारी सुकृति बढ़ेगी, तुम्हारी पुण्य सुकृति बढ़ेगी। जब सुकृति तुम्हारी बढ़ेगी फिर भजन में मन लगेगा। क्योंकि जो पैसा कमाते हैं कष्ट करके तो पैसा कमाते हैं ना, परिश्रम करके पैसा कमाते हैं, लेकिन वो जो पैसा ठाकुर जी की वैष्णव की सेवा में लगेगा फिर अपने आप हमारी सुकृति धीरे धीरे बढ़ेगी। जब सुकृति बढ़ेगी फिर ये मन प्रभु का भजन में अपने आप लगेगा। इतने में महाप्रभु ने कहा देखो कौन कितना मंदिर को साफ किया पता कैसे चलेगा, कौन कितना धूल को साफ किया पता कैसे चलेगा। बोले पता तभी पड़ेगा अपना अपना धूल को इकट्ठे करो, इकट्ठे करो, अब देखते हैं वो धूल देखने से पता चल जाएगा ये व्यक्ति कितने साफ किया। इसलिए अभी धूल को हमने इकट्ठे करना शुरू कर दिया, जब धूल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया सारे जितने भक्तों थे वहाँ पर उनका धूल जितना हुआ ना, देखा चैतन्य महाप्रभु ने इतने धूल उन्होंने इकट्ठा किया, सबसे ज़्यादा श्री चैतन्य महाप्रभु का धूल इकट्ठा सबसे ज़्यादा। बोले इसका तात्पर्य क्या है, वहाँ पर तो बहुत सारे भक्त थे, मतलब महाप्रभु क्या इतना सबसे ज़्यादा साफ किया? बोले कारण है महाप्रभु कौन सा भाव में आए, और राधा जी की भाव अंगकांत लेकर के आए। कृष्ण कैसे राधा जी की सेवा करती हैं, राधा रानी की सेवा में सेवा से कृष्ण को कितना आनंद होता है, ये चीज़ को आस्वादन करने के लिए आए। महाप्रभु राधा जी की भाव से कृष्ण का कुंजों को साफ कर रहे हैं। अभी इनका नाम राधा, राधा मतलब दिया, राधा मतलब होता है जो विशेष पूर्वक कृष्ण को आराधना करती है, कृष्ण की जो विशेष पूर्वक जो सेवा करती है ये श्री राधा रानी। अभी राधा रानी जितने सेवा कर पाएगी और दुनिया में कोई है इतना सेवा कर सकती है राधा रानी जितने कृष्ण की सेवा करे,
और इतना सेवा कोई नहीं कर सकते हैं, इसलिए महाप्रभु का धूल इकट्ठा हुआ, सबसे ज्यादा महाप्रभु का धूल इकट्ठा हुआ है। इसलिए महाप्रभु ने सारे भक्तों को लेकर के उन्होंने सारे मंदिर को उन्होंने अच्छे तरह से, जैसे अपना मन है जैसे एकदम उज्ज्वल है, उन्होंने पूरा मंदिर को उन्होंने एकदम उज्ज्वल रूप में एकदम सुंदर उन्होंने अपना मन जैसे मंदिर को उन्होंने बनाया। और श्री जगन्नाथ जी आज उन्होंने बनाया मंदिर को अच्छे तरह से, फिर आज श्री जगन्नाथ जी एकदम साफ सुथरा कर दिया। कल जगन्नाथ जी फिर वहाँ पर आएंगे हैं, जब जगन्नाथ जी आएंगे वो गुंडीचा मंदिर नहीं राधा रानी के निकुंज महल में, फिर जगन्नाथ जी कल आकर के और निकुंज मंदिर में प्रवेश करेंगे और जगन्नाथ जी फिर वहीं पर उन्होंने 9 दिन तक रहेंगे। रह करके के पीठा है, पीठा मतलब जो केक कहते हो ना उड़ीसा में, के केक जगन्नाथ जी को सेवा में लगा उसका ना कहते पोड़ो पीठा, ये उड़िया उड़िया लोग जानते हैं एक तरह का, जैसे केक बनाते हैं ना वो केक जैसे, हम भी एक दिन कोशिश करेंगे यहाँ बनाने के लिए, और जगन्नाथ जी कैसे खाते हैं आपको भी खिलाएंगे, आप लोगों को बताना जगन्नाथ जी को क्या। और वहाँ पर जगन्नाथ जी को तो कहते साल में देखो साल साल भर जगन्नाथ जी को दर्शन कर, जो आपको सुकृति मिलेगी पुण्य मिलेगी, जब जगन्नाथ जी ये गुंडीचा मंदिर में रहते हैं, गुंडीचा मंदिर में जब जगन्नाथ जी जाते हैं, अगर उनको एक दिन अगर आप दर्शन करोगे साल भर का सुकृति मिलेगा पुण्य मिलेगी। इतने गुंडीचा मंदिर में दर्शन करने का महत्व क्यों कि जो गुंडीचा मंदिर है जगन्नाथ जी की कहती है वृंदावन धाम, और जो मूल मंदिर में रहते हैं ये श्री द्वारका धाम है, इसलिए वृंदावन में उनका दर्शन करने का विशेष विशेष महत्व है। इसलिए अभी हम कोशिश करेंगे दो तीन दिन हम जगन्नाथ जी कथा सुनेंगे, कल हम लोग अच्छे तरह से सुनेंगे कैसे महाप्रभु कैसे जगन्नाथ को धीरे धीरे कैसे अंदर कैसे उनका उतारते हैं, उतारते हुए कैसे रथ में बैठा करके कैसे ले जाएंगे। अब तो आपको जो अब मोबाइल में देख सकते हो वो वहाँ से सब टेलीकास्ट होगा, वहाँ से कैसे जगन्नाथ जी आ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, राजा कैसे राजा हाँ झाड़ू कैसे लगाएगा, ये सब कुछ कैसे जगन्नाथ जी रथ जाएगा आप घर में बैठ बैठ कर देख सकते हो, इसलिए लाइव में देख सकते हो। इसलिए कल आप लोग शाम को सबके सब आना, कल यहाँ पर उत्सव करेंगे, बढ़िया प्रसाद भी मनाएंगे। और जो हम कह रहे थे कल सवेरे हम कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी को लेकर जाएंगे, हम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी सरकार ने एकदम मना स्ट्रिक्ट मना किया है, कल का दिन कोई जगन्नाथ जी की रथ यात्रा कोई निकाल नहीं सकते, बड़ा रथ तो निकाल नहीं पाएंगे हैं, छोटे हम सोच रहे थे साधारण रूप में सवेरे जाए, अभी तो मोबाइल निकल गया, अगर कोई यूट्यूब में अगर सोच रहे थे यूट्यूब में अगर लेकिन निकाल देख रहे छोड़ देगा, देखो गौरे बटे वाले सरकार का विरोध किया, पता नहीं कुछ उधर उधर हो सकता है, इसलिए हम लोग ने विचार किया कल जब सवेरे सोच रहे थे हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। और जैसे शाम को यहाँ हरिकथा होती है, कल ऐसे हरिकथा होगी, और दोपहर में आज बढ़िया प्रोग्राम हुआ, आप प्रसाद कौन कौन प्रसाद पाए दोपहर में, कोई हाथ नहीं उठा रहे, अच्छा आवाज नहीं उठा, इसलिए कल भी बढ़िया प्रसाद हम बनाएंगे ठाकुर जी, अच्छा प्रसाद बनाएंगे ठीक है, कल प्रसाद इसी समय में रात को प्रसाद मिलेगा ठीक है। आप लोग सबके सब आना, माता जी घर में रोसे नहीं बनाना, यही प्रसाद बना सकते सब बच्चों को लेकर ठीक है, और कथा सुनना प्रसाद बना ठीक है, बोले बादशाह कल गुरुभ्य कृपा वैष्णव नमो नमः बोले बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे, प्रभु जी हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Krishna,
बोलने के लिए तैयारी क्यों बोलने के लिए
तुम्हारे गले कंठी कहाँ है? क्यों टूट गया? और कोई टूटा नहीं गला, कंठी टूट गई? गला से कंठी नहीं टूट। गुरु जी के प्रयास से वो जमीन खरीदी जा रही है मंदिर के लिए, उसके उसमें गुरु जी का सहयोग करें और मैं अपनी तरफ से 1,51,000 रुपये कम से कम मुझे जमीन के लिए देता हूँ, जो निर्माण बनाएगा वो बात की बात है। ये बहुत सब्जी देते हैं प्रभु जी, सब्जी के लिए कमी नहीं, सब्जी पर ढेर लगा देते हैं प्रभु जी। हाँ बहुत सब्जी देते हैं। गुरुदेव के पेज पर ही लाइव करूँगी। हरि बोल, हरे कृष्ण।